Good morning Nani Farishto. So I hope in the previous video you have understood about the chapter The Wind and the Sun, dear children. Today we are going to do part two of the chapter, which is explanation and solutions of the exercises given in the chapter The Wind and the Sun from the English textbook for class 2nd, which is Mary Gold, part two, issued by NCERT CBSE.

Yes, the wind began to blow hard to get the man's coat off. The wind began to blow hard to get the man's coat off. Wind और तेजी से चलने लगी, और तेजी से जोर से blow करने लग गई ताकि uncle का coat उतार पाए। Question two, what did the sun do to get the man's coat off?

I can get his coat off more quickly than you can. I can get his coat off more quickly than you can. मैं आपसे जल्दी उसका कोट उतरवा पाऊंगी किसने कहा द अब स्टेटमेंट वॉज सेट बाय द विंड टू द सन ये जो स्टेटमेंट है ये जो बात है ये विंड ने कही थी सन को I will let you try first. Second statement है आई विलट यू ट्राई फर्स्ट ओके गुड द अब स्टेटमेंट वॉज सेड बाय द सन टू द अब स्टेटमेंट वॉज सेड बाय द सन टू द विंड सन ने विंड से कहा I I give up. I cannot get his coat off. I give up. I cannot get his coat off. मैं तो हार मानती हूं मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकती किसने कहा? अब स्टेटमेंट वॉज सेट बाय द विंड टू द सन विंड बहुत तेजी से ब्लो करने लगी ब्लो करने लगी लेकिन अंकल ने क्या किया और तेजी से कोट पकड़ लिया टाइटली कोट पकड़ लिया ताकि उनका कोट उड़ ना जाए उन्हें ठंड भी लग रही थी है ना तो विंड ने कहा मैं तो हार मानती हूं आई गिव अप आई नॉट गेट हिज कोट ऑफ आंसर द अबव स्टेटमेंट वॉज सेट बाई द विंड टू have won मैं जीत गया किसने कहा यस द अबव स्टेटमेंट was said बाय द सन टू द विंड क्योंकि सन जीत गया था एंड में

रोहन ट्राइज टू स्नेच गीता न्यू बुक फ्रॉम हर गीता के पास एक न्यू बुक थी नई किताब थी रोहन ट्राइज टू स्ने छीनना बेटा रोहन कोशिश करता है गीता से उसकी नई किताब छीन के लेने की तो आपको क्या लगता है वट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए था उसको चूज एंड आंसर सही आंसर को चूज करो गीता रंस अवे विद हर बुक रोहन बुक स्नैच कर रहा है तो गीता दौड़ जाए भाग जाए अपनी बुक लेकर या गीता फाइट्स विद रोहन या गीता रोहन से लड़ाई करे क्यों ले रहे हो मेरी बुक या गीता टॉक्स टू रोहन गीता रोहन से बात करे देखो रोहन ऐसे बुक लेना अच्छी बात नहीं है आपको बुक चाहिए आप मुझसे मांग लो गीता चुपचाप बेचारी कोने में जाके रोने लग जाए नो नो, नो 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 कभी नहीं ऐसा करना कोई ना कोई बड़ा होता है हमेशा उनको बताओ रोहन से बात भी कर सकते हैं क्या लगता है आपको रोहन गीता की न्यू बुक उसे छीन रहा है तो गीता अपनी बुक लेकर भाग जाए ये गीता रोहन से लड़ाई करे ये गीता रोहन से बात करे टॉक्स मतलब बात करे ये गीता चुपचाप रोती रहे कोने में क्या करना चाहिए बेटे गीता को एंड शेयर वाई यू फील सो क्यों लगता है आपको ऐसा yes आप बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चा आई फील दैट द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी दैट गीता टॉक्स टू रोहन सो दैट शी कैन मेक रोहन अंडरस्टैंड शुड नॉट स्नैच बुक फ्रॉम हर सो आप सही रहे बच्चे गीता को रोहन से बात करनी चाहिए है ना आई फील दैट मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी सबसे बढ़िया चीज ये होगी दैट गीता टॉक्स टू रोहन की गीता रोहन से बात करे सो so दैट शी कैन मेक रोहन अंडरस्टैंड ताकि वो रोहन को समझा पाए दैट ही शुड नॉट स्नैच बुक फ्रॉम हर कि उसको रोहन से बुक उसको गीता से बुक स्नेच नहीं करनी चाहिए बुक छीनने नहीं चाहिए आप पूछो बात करो है ना क्योंकि वो भी बच्चे आए गलती उससे भी हो जाएगी अगर हम मिलजुल बात करके समझेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा है ना रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर नॉट गुड मैनर्स रोना लड़ाई करना ये गुड मैनर्स नहीं है ये तो अच्छी बात नहीं है ना बेस्ट थिंग इज टॉक द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स सो देर आर समर्ड्स गिवन चिल्ड्रन एंड यू हैव टू फाइंड द रमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी कहानी से आपको जो नीचे वर्ड दिए हुए हैं कुछ शब्द दिए हुए हैं उनके तुक मिलाओ तुकात्मक शब्द ढूंढने हैं है ना तुक मिलाव वाले शब्द आप हिंदी में भी करते हो राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं किन किन के ढूंढने हैं बच्चे बन होल्ड बोट फैन सनी पॉट मुझे मालूम है आपको पता चल गए स्टोरी से है ना बन राइमिंग वर्ड ये सन होल्ड कोल्ड बोट कोट फैन मैन सनी फनी पॉट हॉट फिर से पढ़ेंगे बन सन होल्ड कोल्ड बोट coat, fan, man, sunny, funny, pot, hot. सो so, ये इस स्टोरी से हमने इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स ढूंढे लेट्स राइट चलो लिखें हेयर आर डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी एक्शन वर्ड्स जिन आ, शब्दों से हमें मालूम चलता है कुछ काम हो रहे हैं ना उन्हें डूइंग वर्ड्स कहते हैं जैसे लिखना पढ़ना सुनना रीडिंग राइटिंग डांसिंग इनसे मालूम चलते ना कुछ एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे स्टोरी से कुछ डूइंग वर्ड्स दिए हुए हैं एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे वॉकिंग मैन वॉज वॉकिंग ना वॉकिंग चलना स्माइलिंग मुस्कुराना ब्लोइंग बहना पुलिंग खींचना सो करना क्या हमको

राइट देम हेयर उनको यहां पर लिखो ढूंढ ली लेट्स राइट द आंसर पफिंग शाइनिंग वाइपिंग पफिंग शाइनिंग वाइपिंग चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स टिक बॉक्स है इन मैसेज बॉक्स है बेटे इन में से वर्ड्स ढूंढ के नीचे फिल करने हैं पहला वर्ड क्या है पुल्ड पुल्ड मतलब खींच अपनी ओर टुक ले लिया ब्लू मतलब चलना बहना बहुत जैसे हवा ब्लो कर रही थी ना ब्लू फेल्ट महसूस करना वांटेड चाहता था स्टार्टेड शुरू किया सो लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कंपटीशन एक दिन विंड और सन का एक कंपटीशन हुआ डैश टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट वो डैश मतलब क्या आएगा इसके अंदर वो डैश थे कि एक मैन अपना कोट उतार दे फर्स्ट द डैश हार्ड पहले विंड जोर जोर से डैश करने लगी द मैन डैश हिज कोट टाइटली राउंड himself. लेकिन मैन ने अपना कोट अपने आसपास टाइटली क्या कर लिया पुश करके फेंक दिया कि अपने पास और ज्यादा खींच लिया देन द सन डैश शाइनिंग hard. फिर सन ने बहुत तेज चमकना डैश किया डैश मतलब खाली जगह में आपको ये भरना है बच्चा द मैन डैश हॉट आदमी को डैश हॉट फील हुआ एंड ही डैश ऑफ हिज कोट और उसने अपना कोट उतार दिया सो यहाँ पे भरना है हमने वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कंपटीशन एक दिन विंड और सन का कंपटीशन था दे डैश टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट वो डैश थे चाहते थे है ना चाहते हो क्या बोलेंगे इंग्लिश में वॉन्टेड दे वॉन्टेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट फर्स्ट द विंड डैश हार्ड पहले विंड तेजी से क्या करने लगी चलने लगी बहने लगी ब्लू। फर्स्ट विंड ब्लू हार्ड हिमसेल्फ तो मैन ने अपना कोट और टाइटली अपने आसपास क्या कर लिया ये yes, पुल्ड कर लिया खींच के कोट अपने आसपास पास उड़ उड़ने लग गया ना कोट बेटा उसने उसको टाइटली पकड़ के खींच के अपने आसपास लपेट लिया फिर सन की बारी आई द सन डैश शाइनिंग हार्ट फिर सन ने क्या किया स्टार्टेड वेरी गुड shining हार्ट द मैन फिर क्या हुआ जब सन तेजी से चमकने लगा तो द मैन डैश हॉट मैन को गर्मी फील हुई द मैन फेल्ट हॉट एंड ही डैश ऑफ हिज कोट और उन्होंने अपना कोट क्या किया Tutardia took off, very good, and he took off his coat. So these are the answers. One day, the wind and the sun had a competition. They wanted to make a man take off his coat. First, the wind blew hard. The man pulled his coat tightly round himself. Then the sun started shining hard. The man felt hot and he took off his coat. Very good. Now write the opposites of, of opposites. Vilom Good composite, tall composite, hard composite, black composite. वेरी गुड गुड का ऑपोजिट बैड अच्छा बुरा टॉल शॉर्ट लंबा ठिघना हार्ड सॉफ्ट सख्त, नरम सख्त नरम ब्लैक वाइट काला सफेद अब यहाँ पर एक पजल आई है बहुत सुंदर सी तो यहाँ पे क्या करना है बच्चा ये देखो यहाँ पे ये एक्रॉस है ये वन और टू है ऊपर से नीचे थ्री मतलब लेफ्ट टू राइट आपने शब्द लिखना है और ऊपर से नीचे अप एंड डाउन मतलब ऊपर से नीचे मतलब जैसे नंबर फोर है ऐसे ऐसे शब्द लिखने ऊपर से नीचे शब्द है या फिर लेफ्ट टू राइट है तो so, सबसे फर्स्ट पिक्चर में ये क्या है बच्चे डैश ए एन कौन हो गई ये वेरी गुड मैन एम ए एन मैन नंबर में किसकी पिक्चर है कोट एक्सीलेंट सी ओ कोट। देन इन थर्ड पिक्चर वी कैन सी व्हाट इज द पिक्चर दिस पिक्चर इज ऑफ सन एस यू एन सन एंड इन द फोर्थ पिक्चर वी कैन सी द विंड ब्लोइंग विंड को हम दिखा नहीं सकते ना लेकिन हम किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको हिलता हुआ जैसे बादल आपको लग रहा है जोर से उड़ रहा है ना इस तरह से हम विंड का फोर्स दिखा सकते हैं विंड को इस तरह से महसूस करा सकते हैं तो ये क्या है नंबर फोर बच्चा विंड डब्ल्यू आई एन डी m ए एन मैन सी ओ ए टी कोट, एस यू एन सन डब्ल्यू आई एन टी एक्ट आउट द प्ले द विंड एंड द सन इन क्लास मेक पेपर मास्क फॉर द सन एंड द विंड यूजिंग कलर्ड चार्ट पेपर एवरीबडी कैन टेक टर्न टू बी द विंड सन और द मैन सो हमने क्या करनी है इसकी एक्टिंग करनी है क्लास में विंड और सन बन के क्लास में भी कर सकते हैं घर में भी कर सकते हैं

और बारी बारी से कोई मैन बन जाओ कोई विंड बन जाओ कोई सन बन जाओ नाउ राइट टू सेंटेंसेस अबाउट वन ऑफ द मास सो आपने सन का विंड का और मैन का मास बनाया ना तो उनमें से किसी भी एक मास के बारे में मुखौटे के बारे में लिखो सो so, हम लोग सन के बारे में लिख लेते हैं हेयर आर द टू सेंटेंसेस अबाउट द सन मास्क नंबर वन द सन मास्क इज ब्राइट येलो इन कलर कौन से कलर का बनाओगे सन का मास्क बेटा यस ब्राइट येलो इन कलर ये देखो सन का मास्क आप कैसे बनाओगे येलो ब्राइट येलो कलर का सन इज सेइंग हेलो चिल्ड्रन सन मास्क द सन मास्क इज ब्राइट येलो इन कलर इट इज राउंड इन शेप एंड हैज थिन ट्रायंगल्स

Has thin triangles around its borders representing sun rays. So you can write more sentences also with You can make your own sentences about the mass. Let's read an answer. or answer A big wind. A big wind is blowing. तेज हवा चल रही है लुक द लीव आर फ्लाइंग देखो पत्ते उड़ रहे हैं हवा से ब्लो ट्रीज डाउन बहुत तेज जब विंड चलती है आंधी आती है तो कई बार पेड़ भी गिर जाते हैं इट कैन ब्लो हाउसेज डाउन कई बार जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो भी गिर जाते हैं हवा से आंधी से माई हाउस इज ओल्ड मेरा घर पुराना है विल इट कम डाउन क्या वो भी नीचे आ जाएगा विंड से नहीं आएगा सो so, अब इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं बेटा द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस क्या विंड किसी घर को भी नीचे इसको ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग बताने बच्चा कि विंड एक घर को भी गिरा सकते कच्चे हाउसेस होते ना बेटे से जो झोपड़ियां हैं घास फूस के हैं तो तेज हवा चलेगी तो वो उड़ जाते हैं कई बार है ना सो विंड हाउस को गिरा सकती है द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड क्या खेत को भी विंड गिरा सकती है खेत को विंड नहीं गिराएगी ना जमीन में जो प्लांट्स लगे होते हैं तो वो उनके रूट्स उनको पकड़ के रखती है है ना उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती तो वो उनको विंड नहीं गिरा पाती द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड एक बच्चा है है छोटा सा बच्चा जा रहा है में तो क्या उसको विंड गिरा सकती है ट्री uh, पेड़ हैं उनको विंड कभी कभी गिरा देती है रिवर क्या नदी को भी विंड गिरा सकती है हवा तो इसके आंसर बताए कैन ब्लो डाउन हाउस को विंड गिरा सकती है कभी कभी Yes, गिरा सकती है द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड खेत को विंड गिरा सकती है नहीं छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं ना उनको नहीं गिरा पाती विंड द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड किसी बच्चे को विंड गिरा सकती है आप बताना क्या कर सकते हो वैसे तो नहीं गिरा सकती बच्चा स्ट्रांग होता है दौड़ के कहीं छुप जाएगा या लेट जाएगा या बैठ जाएगा तो नहीं गिर पाएगा द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री पेड़ को पेड़ों को विंड गिरा देती है कई बार आप देखते हो ना बेटे आंधी आती है तो कभी कभी कोई ओल्ड ट्रीज होते हैं तो वो गिर भी जाते हैं सड़कों पे है ना द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर क्या नदी को विंड गिरा सकती है नहीं सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो डियर चिल्ड्रन ब्लेस्ड ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू